हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और स्वस्थ दोस्तों, आज December 31st है और 2023 का आखिरी दिन, आखिरी नाइट है। और दोस्तों, इसके बीच में हम आज हमारे फैमिली के साथ कलंगुट के बीच पे जा रहे हैं। ये देखो, लोचन और मनीषा और माधुरी, हम चार लोग सिर्फ टू व्हीलर पे जाना है और हमारे पास दूसरी गाड़ी नहीं। पुलिस वगैरह को फाइन मारेगा तो भी चलता है, लेकिन हम जाना ही जाना है। और ये देखिए, मनीषा भी रेडी हो रही है, उनकी मम्मी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 को बाय बाय, नए साल 2024 को वेलकम करते हुए, कठिनाई की 2023 साल की साल को बाय बाय करते किए और 2024 को वेलकम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छे हो, स्वच्छ हो, मस्त हो। और चलो वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन बीच को जाके पहुंचा नहीं, बस हम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हम खड़े हैं अभी। देखिए, और लोग तो बहुत सारे भीड़ बना हुआ है। अरे भरे हुए लोग, पूरे दुनिया का लोग यहाँ पे भरा हुआ है जैसा लग रहा है। अभी आज मोहला ऐसा है कि पूरा दुनिया का के लोग यहाँ पे भरा हुआ है, पूरा के पूरा भर चुका है। जैसे कि ये भाई साहब, अरे बाप रे, कितना यार, पुलिस लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं रात दिन इन लोगों को। यार यात्री आने वाले सब लोगों को ख्याल रखते हैं। और देखो कि इतना भीड़ है। मैंने आपको ये बीच के ऊपर एक वीडियो बनाया था, गोवा के बीच ऐसे हैं, ओ गोवा के बीच तभी देखा था ऐसा था। लेकिन तो यार मोहल्ला इतना भरा हुआ है कि मत पूछो। देखिए, कोई जगह पहचानने के लिए खाली जगह ही नहीं मिल रहा है बीच के ऊपर। देखिए इतना भीड़ है। बोलते हैं ना, सबसे सुंदर सबसे प्यारा जग में भारत देश हमारा कलंगूट बीच हमने के लिए इतना भीड़ आ गया है कि पूछो मत। इस भीड़ में कोई घूम गया तो एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद मिलने वाला नहीं है। एक बार घूम गया तो पूरा बीच घूम के आने में एक दो घंटा लग जाता है। इतना भीड़ है। देखो कितना भीड़ है, आप देख ही रहे हैं। अरे यार देखो भीड़ देखो लोग देखो, समुद्र के पानी की लहरें की जैसे आ रही है यहाँ से वहाँ से। यहाँ देखो, और माधुरी लोचन और मनीषा, चलिए आगे जाएंगे और आगे जाके देखेंगे। कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं लोग यहाँ पे बैठे। लोचन खा रहा है, मनीषा खा रही है और माधुरी खा रही है। मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं चुप बैठा हूँ इधर। मैं खाना नहीं खाता है, बस इन लोग ही खाता है। मैं लोचन को खिला रहा हूँ, तो देखो और लोग तो बैठ के खा रहा है, होटल में बैठ के खा रहा है, बीच शौक रिसोर्ट को के अंदर बैठ के खा रहा है। लेकिन हम लोगों को बैठने के लिए चेयर वगैरह कुछ मिला नहीं, टेबल नहीं मिला, इसके वजह से हम पार्सल ला के यहाँ पे, ये देखो ठंडी हवा में बैठ के सब लोग खा रहे हैं, मनीषा लोचन मैं और माधुरी। ये देखिए, हम सब खा रहे हैं अभी। पाँच जन है।
बच्चो अपने घर बहुत मेहनत के बाद हम चार लोग एक ही गाड़ी पे बहुत इतने बड़ी ट्रैफिक में बहुत मेहनत करके यहाँ पे आके पहुँचा और इस वजह से लोचन और मनीषा और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। मेरे पूरे फैमिली के लिए मैं रात दिन भी मेहनत करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा इन लोगों को खुश रखने के लिए। और मेरे पास ना इतना भी बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे भी वो गाड़ी जो भी टू व्हीलर है मेरे ससुर का है। इसके अलावा मेरे पास एक लोचन का साइकिल और मनीषा का साइकिल के अलावा मेरे पास एक भी कुछ भी नहीं है अब तक। इसलिए मैं दोस्तों अगर आने वाले दिनों में मुझे ये सब हासिल करना चाहिए बट कुछ भी करे कैसे भी करे लेकिन इन लोगों को मैं खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करूँगा और भगवान मुझे आशीर्वाद दे कि ये सब हासिल करने के लिए। और दोस्तों हमारे लिए आपको एक सब्सक्राइब चाहिए, इसके वजह से हम यहाँ तक मेहनत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए कि लोग अभी न्यू ईयर मना के वापस रिटर्न जाने के लिए तैयार होके आ रहे हैं और इतना भीड़ हो रहा है कि मत पूछो कि इतने भीड़ में लोचन मनीषा और माधुरी इसके पीछे खड़े हैं। आओ बोला तो नहीं आया, इसके वजह से मैं यहाँ पे रुका हूँ। और ये तो देखो भाई एक इतना मज़ा करके आए, बहुत मज़ा करके आए, बहुत डांस वगैरह कर रहे हैं। ये तो सब के सब वही मौज मस्ती करके निकल के आ रहे हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो तक के साथ यहाँ तक भी आके पहुँचे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें एक सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, चलो।